बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है रिवर वैली कायदाबाद में, जो कि बिल्कुल कायदाबाद के मेन लियारी उसके मलीर नदी के पुल के साथ ही है। रिवर वैली कहते हैं सोसाइटी को, और ये सोसाइटी अभी यहाँ पे मकीन शिफ्ट होना शुरू हुए, घरों की रेनोवेशन का काम जो है वो यहाँ पे जारी है। तो एक इसी तरह के घर के अंदर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम सोलेक्स का इन्वर्टर लगा रहे हैं और सोलेक्स की लिथियम बैटरीज लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इस वक्त के इलेक्ट्रिक प्रॉपरली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट जो हैं वो 14 सोलर पैनल्स प्लस 2 लिथियम बैटरीज जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ताकि 24 घंटे उनके घर का निज़ाम जो है वो ईजिली रनअप हो सके। तो आज का प्रोजेक्ट भी इंटरेस्टिंग है, टेस्टिंग में रिजल्ट आइडियल इसलिए नहीं मिलेंगे कि पैनल्स यहाँ पे गुज़िश्ता कोई एक महीने से लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्टी हैं। तो कोशिश होगी कि आज के प्रोजेक्ट को ऑन करके जो भी रिजल्ट हम आपको दिखा सकते हैं वो दिखाएं, और आप बताइएगा कमेंट्स में कि आज का प्रोजेक्ट जो है वो आपको किस तरह का लगा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सोलेक्स का इन्वर्टर जो है वो हमारी सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इसकी वायरिंग वगैरह हमने कंप्लीट कर दी है, सिर्फ अभी हमने इसमें सोलर इनपुट देना है और इसको ऑन करना है। बैटरीज जो है वो हमने इस तरह से प्लेस किए हैं कि हमारी एक बैटरी ऊपर है और बिल्कुल इसके डायरेक्शन में नीचे एक बैटरी है। तो अगर हम आपको दिखा सकें दूर से कि दो बैटरीज जो हैं वो इस तरह से हमने अप डाउन करके जो है वो इसमें ऐड किए हैं, साथ में हमने डीबी बॉक्स जो है वो इन्वर्टर के नीचे दे दिया है, ताकि यहाँ पर एक ब्यूटीफाई किस्म का लुक आ जाए। तो घर अभी रेनोवेट हो रहा है, इसलिए पावर की ज़रूरत रहती है। तो आज हम इंशाल्लाह इसको ऑन करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, आपको पैनल्स के फैब्रिकेशन का भी जो है वो एक व्यू देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पैनल्स हैं लॉन्जी हाइमो 6 के, और ये इस वक्त फैब्रिकेट हो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर से काफ़ी डस्टी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं, घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जब ये फैब्रिकेट ऊपर हो रहा था स्ट्रक्चर, तो उसके साथ ही पैनल्स रख दिए गए थे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 4 पैनल्स ऐड किए हैं। तो पहले इरादा ये था हमारे क्लाइंट का कि इसको 16 पैनल्स तक लेके जाना है, लेकिन अभी उन्हें जो है 14 पैनल्स पे इस सिस्टम को ऑन करवा रहे हैं, 2 पैनल्स वो किसी और जगह पे यूज़ करेंगे। लेटर ऑन जब ये पैनल्स 16 कर दिए जाएंगे तो हम इनको रीकनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पे इनके पैनल्स आए हुए हैं, और सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया है, तो इंशाल्लाह इसको रन डाउन करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये रिवर वैली सोसाइटी जो है उसका मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, जो कि बिल्कुल मलीर नदी के बराबर में है। ये इसका मेन रोड है रिवर वैली सोसाइटी का, ग्रीनरी है, पीसफुल है, और यहाँ पे मकीन जो हैं वो आस्ते आस्ते यहाँ पे मूव ऑन होना शुरू हो चुके हैं। तो इसी तरह के एक घर में ये हम कंस्ट्रक्शन का काम और सोलर का काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको करके आपको सारी चीज़ें फ़ाइनल करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमने इन्वर्टर को ऑन कर लिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4:28, मतलब 4:30 बजे का टाइम है। इस वक्त सोलर से जनरेशन आ रही है हमारी, 2100 वाट के करीब हमारे पास जनरेशन आ रही है, और हमारा रनिंग लोड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1300 के करीब चल रहा है, और बैटरी चार्जिंग जो है वो बेचारी 500-600 वाट से हो रही है। तो ये इस वक्त 4:30 के आसपास का स्टेटस है। पैनल्स वॉश हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल फ़िलहाल हम इसको इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे आपको फिनिशिंग वाला लुक दिखा के। तो आपको बैटरीज वगैरह मैं पहले दिखाई चुका था, दोबारा एक लुक दे देता हूँ कि ये बैटरी फंक्शनिंग है इस बैटरी की, और ये बैटरीज दोनों आपस में हमने पैरेलल कर दी हैं, ये इन्वर्टर के साथ प्रॉपर जो है वो वर्कआउट कर रही हैं। वायर्स जो हैं वो हमने इसकी इस साइड से लिए हैं, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है वो कनेक्शंस वगैरह दिए हुए थे, तो एक साइड के कनेक्शंस यूज़ करके हमने इस प्रोजेक्ट को जो है वो वाइंड अप कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इन्वर्टर जब आपका प्रॉपर पैरेलल हो जाएंगी दोनों बैटरीज, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन नंबर में 02 शो होगा, मतलब तो जितनी ज़्यादा बैटरीज आप इसमें पैरेलल करेंगे उसका नंबर यहाँ पे शो होना ज़रूरी है। तो ये निशानी होगी कि आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है। और सेकेंडली, हम अगर इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, तो सेटिंग्स के अंदर हम इसकी बैटरी सेटिंग्स में जाएंगे, सॉरी हम इसमें जाएंगे अबाउट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर की टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आ रही होगी,
और फिर उसके साथ जब हम BMS पे क्लिक करेंगे तो दोनों इन्वर्टर्स के सीरियल नंबर हमें दिखाई देंगे। इस वक्त हम अपनी बैटरीज जो है वो सर्विस सेंटर से अपग्रेड करवा रहे हैं ताकि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। इससे पहले हमने इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप अपने इंस्टॉलर से ये सारी चीज़ें लाजमी करवाएं। और रिक्वेस्ट ये है कि इन चीज़ों के लिए मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उन लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ जो हमारे डायरेक्टली क्लाइंट्स हैं। टाइम टेकिंग काम है ये सारा, और इट इज़ नॉट ईजी अस टू प्रोवाइड हेल्प ऑन ऑनलाइन। हमारा अपना भी काम है, इसलिए आप जिससे परचेज कर रहे हैं, जिस नेटवर्क से, जिस इंस्टॉलर से लगवा रहे हैं, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें लाजमी करवाएं। मेरे दिखाने का मकसद ये होता है कि आप अपने सिस्टम को लेके परेशान ना हो और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने इंस्टॉलर से ये सारे काम लाजमी करवाएं।